नमस्कार खमागणी, नोमेड शक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था कि मैं यहां पे रात को पहुंच गया था लेट सेट, और कुछ भाई लोग मिल गए थे तो इनके यहां मैंने रात को होल्ड किया। रात को इधर ही रुकना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता पूरा ब्लॉक था, यहां पे लाइट वगैरह भी नहीं रहती है रात को रोड पे, तो इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो रात को मेरे को इधर ही रुकना पड़ गया भाई लोगों के पास, और अभी मैं फिर से यहाँ से अपन लिफ्ट लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए आज कहाँ तक अपन को लिफ्ट मिलती है, और फिर देखते हैं। इधर इस तरफ अरुणाचल की वादियों में है अभी अपन, पहाड़ों में, और रात को मैं कुछ यहाँ रुका था। ये यहाँ पे आराम से मस्त वाली नींद आ गई और बढ़िया सो गया था। वो अपना सामान पड़ा है वहाँ पे, और ये कुछ भाई लोग हैं। रात को आए थे भाई। ओके भाई, मिलते हैं आते टाइम रास्ते में वापस, है ना। बस निकलते हैं अपन, एक और नई लिफ्ट और भैया जी ने दे दी है अपने कुछ। ये इनका ट्रक है, इस ट्रक में जाने वाले। ये कहाँ जाएंगे फिर, कौन सा गांव है? बोलेंग गांव की यहाँ से है डायरेक्ट लिफ्ट, 28 किलोमीटर के आसपास है, और फिर उसके बाद अपन देख लेंगे इनकों का कुछ 21 किलोमीटर। तो सामने का कुछ ये सीन है, रात को हम इधर सो रहे थे। ये भैया जी है, ये हमें छोड़ देंगे बोलेंग, और सामने ये सियांग नदी बह रही है, सामने पहाड़, ये भैया जी। अरे देखो निकल रहा हूँ। मिलते फिर, है ना, फोन कर लेंगे वहां पर। तो भाई सुबह की पहली लिफ्ट थी अपनी कुछ 21 या 22 किलोमीटर की, और आगे अभी एक छोटी सी दुकान है वहां, मैं थोड़ा सा रुकूंगा और फिर देखते हैं अपन को आगे कौन सी लिफ्ट मिलती है। और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ सियांग रिवर के किनारे, एक ब्रिज है। पिछली बार आया था तब मैं इस पुल के ऊपर से गया था शायद, जितना मेरे को याद है इतना ऐसा लग रहा है। अभी देखो नदी बहुत तेज में है भाई, बहुत तेज बह रही है, उधर भी देखो ऐसा कुछ सीन है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? क्या ये तो अपना फोन फोन कहाँ जाएगा? इंक्यों जाएगा अपन, इंक्यों जाएगा पैदल? पैदल नहीं, अभी देखते कोई गाड़ी मिलता तो इधर से। अभी तो ये इसमें आया था ट्रक में। फोटो किसका है? यूट्यूब। क्या नाम है आपका? बोलबुली। तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा गाड़ी? इस तरफ थोड़ा मुश्किल मिलता है क्योंकि कम लोग जाता है ना, बहुत मुश्किल है यार इस तरफ अगर गाड़ी मिल जाए तो। कोई देखता हूँ कब मिलती है कोई गाड़ी, और जब तक नहीं मिलती जब तक पैदल चलता हूँ, फिर आगे मिल जाएगी कोई ना कोई। तो सेंटर फुट है अंति जी चिंगम, ये कितना का? 10 रुपया। हाँ 10 रुपया के दे दो। जब तक कोई हिचक नहीं, कोई लिफ्ट नहीं मिलती है तब तक पैदल चलता हूँ यार। बारिश तो कुछ ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे बारिश आ रही है, लेकिन
चलते रहेंगे। तेज बारिश आ गई तो मुझे ये कैमरा बंद करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा। क्या करें, वहां ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे लिफ्ट मिल गई थी और अभी मैं कम से कम आधे घंटे से इधर इस रोड पे खड़ा हूँ। रोड देख लीजिए आप, पूरा सुनसान है और इस तरफ जाना है तो ऐसा कुछ रास्ता दिख रहा है आपको। बारिश हो रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है अपन को शूट करने में भी। क्या करें ना, करना तो पड़ेगा। जल्दी से कोई लिफ्ट मिल जाए इनके उनकी डायरेक्ट। एक लिफ्ट मिला था, फिर यहाँ पे मैं मैगी खा लिया भाई लोगों के पास। और ये एक और भाई लोग मिले अपन को, क्या नाम है आपका? मेरा मागलेक जमो। मागलेक जमो जमो, इसी पास में बस्ती होगा आपका? बस्ती के सामने ही मेरा। एक भाई और है, ये भी अपन को लिफ्ट दे रहे थे लेकिन ये बोल रहे यहाँ से डायरेक्ट सुमो में जाने से सही रहेगा आगे मिलने। चलो करेंगे आप, चलो। कौन सा? ये गीगो तक पहुंचाएगा आपको। गीगो? हाँ चलो चलो। ओके, उधर तक कौन सुमो रुका देगा, मिल जाएगा। हाँ चलो। दो पीनेगा नहीं। बारिश तो इधर होता रहता है। बारिश तो होते रहते हैं। देखो तो भाई ने लिफ्ट दे दी है कुछ 12 किलोमीटर की, है ना? हाँ 12 किलोमीटर पाने जा आगे देखते हैं। भाई बोला भाई तो हैवी राइडर है, थोड़ा आराम से अपन वीडियो बनाकर चलेगा ना। ये कौन सा वीडियो भाई? रिवर इज बहुत ज्यादा भी पानी है। यो यो यो, तो भाई 12 किलोमीटर तो लेके आ गया भाई बाइक से। कभी दिन मिलते हैं। ओके ब्रो, ये वेगा कॉल करेगा। हाँ है ना। हम राजस्थान राजस्थान से नाम क्या? शक्ति। ओके का यूट्यूबर होता होगा।
आपका यही है गेकू? नहीं मेरा नहीं है, हम तो केवांग का है। तो अभी अपन को डायरेक्ट वहां से गेकू से लिफ्ट मिलके यहाँ पे आ गए थे। इनके में ओतिक भैया के जीजा जी है, इनकी होटल है, तो यहाँ पे अपन रूम ले लिया है, बढ़िया सा रूम। तो क्या नाम है उनका? दोर जी है ना। तो यहाँ आओ तो इनके में थोड़ा सा दो तीन रास्ते में आके होटल रहेगा, तो आप यहाँ पार्जुर होटल है, पार्जुर होटल है। इनका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, तो इनके होंगे आते इनको कॉल करके यहाँ पे आराम से आप रुक सकता है। 500 रूपये रूम का आपको चार्ज लगेगा और आराम से रेस्ट करो और कल सुबह आप तूतिंग निकल जाना फिर। तो लोअर मार्केट, इनको लोअर मार्केट पता है? लोअर मार्केट, इनके होंगे लोअर मार्केट के अंदर ये होटल है ना। तो ये ऐसा कुछ रूम है, ये बेड मिल जाएगा, सिंगल भी है और अगर आप दो जने हो तो दो जनों के लिए भी मिल जाता है ना। ये ऐसा कुछ पूरा होटल है एकदम, यहाँ का ट्रेडिशनल भी मिल जाएगा इधर। कल्चर साइलेंट है और एकदम साइलेंट है, ऐसा नहीं कि पूरा सिटी के अंदर क्राउड में रहेगा, थोड़ा साइड में आके और यहाँ से फिर आप तूतिंग की तरफ निकल जाओ। और अभी देखो बारिश हो रही है बिल्कुल,